बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट क्लास 10th मोहम्मद अब्दुल रफी फ्रॉम ऑप्शन ग्रामर स्कूल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन जो है वो मजीद एक हफ्ता एक्सटेंड कर दिया गया है, 30 तारीख तक के जो है वो बढ़ा दिया गया है। अच्छा, क्लास 10th की ये तो बहरहाल जो बातें लॉकडाउन की है वो तो चली रही है और आपको वीडियोज मिलती रहती है। आपकी जो केमिस्ट्री है जो 10th क्लास में आप स्टडी करेंगे फिल वर्क चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट की जा रही है, जो अभी आपके पास कंप्यूटर पर भी मौजूद हो सकती है अगर आप नेट इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर नहीं है आपके पास तो आप जो है वो चैप्टर 10th क्लास केमिस्ट्री लिखिए, एसएन बोर्ड लिखिए, सेम टेक्स्ट बुक लिखिए, साथ में पीडीएफ लिखिए। तो इस तरह से आप लिखने पर आपको देखिए जो है वो एक केमिस्ट्री का फोल्डर मिल जाता है, एक साइड मिल जाएगी, कई साइड होंगी, उसमें आप 10th क्लास की केमिस्ट्री देखेंगे। जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तो केमिस्ट्री जो है वो चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट हो गई है। फिल वर्क यही अपडेट्स हैं। अगर आंदा आने वाले वक्त में कुछ चेंजेस होती हैं तो वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने भी चेंज करना होगा और हमने भी अपने लेक्चर्स को चेंज करना होगा। लेकिन फिर अभी जो है वो हमने केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करना है तो चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। 10 चैप्टर आप जो है वो 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ करके आ चुके हैं, 9th क्लास में पढ़ करके आ चुके हैं, 10th क्लास में चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 11 जो है वो हार्डवेयर एंड वाटर का है। इसमें कुछ टॉपिक्स आपको लेकर के दिखा दिए गए हैं, यहाँ पर इन्हीं टॉपिक्स को हम आने वाले लेक्चर्स को डिस्कस भी करेंगे। लाइक हाइड्रोजन एंड इंडस्ट्रियल प्रोफेशन। हाइड्रोजन क्या है, कैसा एलिमेंट है, इस यूनिवर्स में कितना अबंडेंट है, क्या इसकी हिस्ट्री है, इसको डिस्कवर किसने किया है, इसकी इंडस्ट्रियल प्रोफेशन क्या है, आप जो है वो लेबोरेटरी आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। These are all will be discussed in industrial preparation or in this topic. Uses of hydrogen and hydrogen. Hydrogen कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ hydrogen का इस्तेमाल किया जा सकता है। Nascent लफ्ज जो है वो hydrogen के लिए कब इस्तेमाल होता है या carbon के लिए कब इस्तेमाल होता है ये हम discuss करेंगे। फिर ये isotopes of hydrogen या chapter जो है कि isotopes of hydrogen को जो है वो आप 9th class में भी study करके आ चुके हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये ज्यादा थ्री isotopes of hydrogen। फिर ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, पानी की कीमियाई खसूसियात क्या क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद सॉफ्ट, हार्ड एंड हैवी वाटर। या पहली बार तो शायद सुनेंगे कि सॉफ्ट वाटर भी होता है, हार्ड वाटर भी होता है, हैवी वाटर भी होता है और साथ साथ रेडियो एक्टिव वाटर भी होता है, जो कि यहाँ लिखे अभी नहीं दिखाया गया बिल्कुल आपको। फिर हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस, हाइड्रोस्कोपिक क्या होते हैं, हाइड्रोस्कोपिक किन एलिमेंट्स को क्या किन सब्सटेंसेस को कहा जाता है, किन फार्मूलास को किन कंपाउंड को हाइड्रोस्कोपिक कहा जाता है। फिर है आगे में ड्रिंकिंग एंड सॉल्टिंग, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, आप पानी पीते हैं उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए जो आपको सेहत बख्श होगा, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक